सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ और देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें न्यूज 15 में बिना ब्रेक के। बॉर्डर पर बर्बरता का करारा जवाब, सेना ने भी मार गिराए 3 पाकिस्तानी सैनिक, पाक डीजीएमओ ने फोन पर की डीजीएमओ स्तर की बातचीत की पेशकश। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पाक की गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान घायल, बुरे सेक्टर में भी 6 महीने बाद पाक ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर में 200 आतंकी सक्रिय, इस साल सितंबर तक 105 आतंकियों ने की घुसपैठ, गृह मंत्रालय ने पेश की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करेंगे शिरकत, 3-4 दिसंबर को अमृतसर में सम्मेलन। नोटबैन पर पीएम मोदी के सर्वे को जनता ने बताया सही, 99% ने कहा रुकेगा भ्रष्टाचार, 43% को नोटबैन से परेशानी नहीं, 48% ने कहा बस थोड़ी सी दिक्कत। नोटबैन पर सरकार के 4 मंत्री गतिरोध तोड़ने में जुटे, आज राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं पीएम, वेंकैया बोले फैसला पलटना मोदी के खून में नहीं। ओपिनियन पोल से विपक्ष को करारा जवाब, पीएम मोदी ने कैबिनेट में फिर रख दिया मंत्रियों और मंत्रालय को डिजिटल मंत्र, कहा जुट जाए देश तो कैशलेस बनाने। नोटबंदी पर सरकार ने कुछ नए ऐलान किए, रुपए कार्ड का स्विचिंग चार्ज खत्म, 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स। नोटबंदी ऐलान के बाद जनधन खातों में जमा हुए 21,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल कर्नाटक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट, जांच के आदेश। सेना के लिए डॉनियर विमानों की खरीद को मंजूरी, खरीदे जाएंगे 12 डॉनियर विमान। हिमाचल में शहीद को देश का सलाम, आज गांव पहुंचेगा 3 शहीदों का पार्थिव शरीर, यूपी सरकार का शहीदों के परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान। सुस्त और ढीले अफसरों बाबुओं को सरकार की चेतावनी, लोकसभा में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जो काम करेगा सिर्फ उसी की बढ़ेगी तनख्वाह, प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। जी ग्रुप ने खरीदा 92.7 बिग एफएम में 49% हिस्सा, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के जनरल एंटरटेनमेंट टीवी को भी खरीदेगा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। दिल्ली में रहने वाले 60% लोग खुद को नहीं मानते सुरक्षित, इस साल 30,000 लोगों पर एक एनजीओ ने किया सर्वे। केंद्र ने किया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केवल कुमार शर्मा का तबादला, शर्मा 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री के शिक्षा विभाग में बनाए गए सचिव। जल्द ही दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएगी 15 साल से ज्यादा पुरानी 1,90,000 डीजल गाड़ियां, दिल्ली सरकार ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन, एनजीटी को सौंपी सूची। जाकिर नायक और उसकी संस्था के खिलाफ ईडी दर्ज करा सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस, विदेश से चंदे के तौर पर जमा राशि के गलत इस्तेमाल और धांधली का है मामला। जाकिर नायक के खाते होंगे सील, एनआईए ने बैंकों से खातों को सील करने के लिए कहा। नोटबंदी ने बढ़ाई मुंबई लोकल के स्मार्ट कार्ड की बिक्री, 60% आया उठा। मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा के केस की जांच कर रहे मकरंद घोड़ के पुरानी जगह बाहर 1 महीने पहले किया गया था ट्रांसफर। मुंबई के साइन अस्पताल में महिला की किडनी से निकाला गया 5 किलो का ट्यूमर, महिला पूरी तरह सेहतमंद। मुंबई सहित महाराष्ट्र की सड़कों पे गड्ढे भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ले रहा है आधुनिक तकनीक का सहारा, जे पैचर के जरिए भरे जा रहे हैं गड्ढे, 15 मिनट में हो जाता है काम। राजस्थान के चुरू में वकील पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोपाल पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से नोट बदलने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 20-30% कमीशन लेकर रुपए बदलने का आरोप। भोपाल में एटीएम में कैश डालने वाली वैन से 4 लाख की लूट, लुटेरों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लुटेरे दंपति गिरफ्तार, कई वारदात को अंजाम देने का आरोप। एमपी के ही धमतरी में पंचायत का तुगलकी फरमान, शौचालय नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा राशन। बिंदाबाई में 1 महीने से राशन मिलना बंद, लगाई जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के दमोह में सेना में तैनात बेटे की खुदकुशी से घर में मातम, छुट्टी नहीं मिलने से था परेशान, 23 नवम्बर को होने की शादी। ग्वालियर के डाबरा से कांग्रेस विधायक इमरती देवी समेत 5 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज, बहू की शिकायत पर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश। मध्य प्रदेश के हरदा में मिले 3 आदिवासी बच्चे, सीनियर्स के उत्पीड़न से परेशान होकर भागे बच्चे, पूछताछ में खुलासा। टीकमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के लिए आई महिला को जमीन पर लेटाया गया, जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा से 2 सगे भाइयों समेत नहर में डूबे 3 बच्चे, नहर में 5 बच्चे गए थे नहाने।
सीएम वसुंधरा राजे ने सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, सचिवालय में चल रहे क्रैश को दी शाबाशी। राजस्थान के कोटा से चार दिन से लापता कोचिंग छात्र आशीष का शव चंबल नदी में मिला, माता पिता के नाम लिखा सुसाइड नोट भी बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान देवेंद्र बिष्ट को मेरठ में दी गई अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कांग्रेस में होंगी शामिल, परगत सिंह भी थामेंगे कांग्रेस का हाथ, 28 नवंबर को लेंगे सदस्यता। पंजाब के जलालाबाद सीट से भगवंत मान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने ली चुटकी, बोले जमानत तक हो जाएगी जब्त। सतलुज यमुना लिंक की जमीन वापस किसानों को देना शुरू, पटियाला के गांव में मंत्री मजीठिया ने बांटे कागज। हरियाणा सरकार से रेलवे ने मांगा मुआवजा, जाट आंदोलन की वजह से हुए 360 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की मांग। अमेरिका के फ्लोरिडा जॉर्जिया में देखा गया उल्कापिंड, लोगों ने बनाया वीडियो, उल्कापिंड तेजी से छोड़ रहा था रोशनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेले को चुना यूएन में अमेरिकी राजदूत, निकी ने किया स्वीकार, प्रचार में निकी ने निभाया था खास रोल। इस साल अमेरिका में ज्यादा लोग करेंगे थैंक्स गिविंग पर सफर, सर्वे में लगाया गया अनुमान। ब्रिटिश संसद के बाहर ब्रेक्सिट समर्थकों का प्रदर्शन, यूरोपियन यूनियन से बाहर किए जाने की धीमी प्रक्रिया से नाराज। ब्रिटेन में अगले दो साल तक धीमा रह सकता है विकास का पहिया, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने को बताया जा रहा है वजह। एक हफ्ते से पेरू के जंगलों में लगी आग पर अभी तक नहीं पाया गया काबू, 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित। लास वेगास में कंगना की फिल्म सिमरन की शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट, डायरेक्टर हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 19 दिसंबर से कुछ दिनों के लिए प्रियंका चोपड़ा भारत में रह सकती हैं, इस दौरान करण जौहर के चैट शो में भी लेंगी हिस्सा।